फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेज होम स्टाइलर। तो आज मैं आपके साथ एक क्लोथिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ। तो कुछ दिन पहले जो है आसपास का जो भी माहौल है, कोरोना का माहौल है, बहुत ज्यादा जो केसेस बढ़ चुके हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन, जैसे समर चल रही है तो चीजों की जरूरत पड़ती है, क्लोथ्स की जरूरत जो है पड़ती है, ठीक है ना। जब से सीजन शुरू हुआ था, लॉकडाउन था, तो वो शॉपिंग वगैरह वो नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन जो है क्लोथ्स मंगवाने शुरू किए। बट आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। मैं पूरी तरह जो जितनी मनी हम स्पेंड करते हैं ऑनलाइन क्लोथ्स पे, वैसी जो है नहीं आती है, वैसे क्लोथ्स जो है हमें नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर जो डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं जो है लोकल मार्केट से वोकल फॉर लोकल, ठीक है, लोकल मार्केट से क्लोथ्स जो है वो बाय करूं, क्योंकि जितनी मनी आप स्पेंड करते हो एटलीस्ट उतना आपको मिलना तो चाहिए ना। इसलिए तो एक एग्जांपल जो है, मैं कल मुझे लास्ट पीस जो क्लोथ का रिसीव हुआ वो मैंने ऑलरेडी मैं आजियो का जो शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं एक प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है मिंत्रा से मैंने ये अपनी बेटी के लिए ड्रेस मंगवाई थी, क्योंकि राखी भी आ रही है ना, तो बच्चे थोड़ा सा वो करते हैं कि हमें चाहिए ड्रेस, नहीं चाहिए ये वो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये वाली ड्रेस जो है परचेज की थी, ये वाली। कैमरा में देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। बट इसका एक तो मटेरियल सिंथेटिक है, थोड़ा सा मटेरियल तो चलो वो वहां पे लिखा ही होता है। मैंने इसका पिंक कलर जो है वो ऑर्डर किया था, और मुझे ये मैरून कलर, इसमें जो पिंक ही दिख रहा है, मैरून कलर जो है वो मुझे रिसीव हुआ। ये कलर एक ऐसा कलर होता है, मैरून, ब्लैकिश मैरून कलर एक ऐसा होता है जो फेयर कम्प्लेक्शन पे ही ज्यादा सूट करता है, डीप कम्प्लेक्शन पे ये बहुत कम सूट करता है। फॉर्चुनेटली मेरी बेटी का कम्प्लेक्शन जो है फेयर है, तो उसपे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर आप जो है स्टाइल देखो, जस्ट जो स्टाइल वगैरह अच्छा स्टाइल है, बट इसकी जो प्राइस थी वो थी 989 सेल पे, ठीक है, 989 जो है सेल पे थी इसकी प्राइस। एक्चुअल में इसकी प्राइस जो है 1499, टू मच कॉस्टली, ठीक है ना। मनी के अकॉर्डिंग आपको वो क्लोथ जो रिसीव नहीं होते, इसलिए मैंने जो है लोकल से जो शॉपिंग की। ये शॉपिंग मैंने समर सीजन को ध्यान में रखते हुए की है, कि समर सीजन में जो क्लोथ होना चाहिए ना, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टाइल, फैशन सारी बातें बाद में होती हैं, पहले बॉडी को कंफर्टेबल लगना चाहिए वो क्लोथ जो है। तो सबसे पहले मैं जो नाइट सूट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो पहले लुक में ही मुझे बहुत अच्छे लगे, तो सबसे पहला ये नाइट सूट है, ब्रांड का नेम है कैल्विन क्लेन, मेड इन न्यूयॉर्क, एक्सेल साइज है, और इसका जो स्टफ है ना बहुत ही कंफर्टेबल है। ये इसके साथ में जो लोअर है इसका, ठीक है ना, स्टफ आप देख सकते हो कितना कंफर्टेबल है समर सीजन के लिए, बिल्कुल एक रुई की तरह है, रुई की तरह ये नाइट सूट है। ये था फर्स्ट नाइट सूट, कौन से पीस कौन उठाएगा ये नहीं पता, मैंने जस्ट जो पीसेस मेरे हाथ में आए वो मैंने उठा लिए। तो सेकंड जो प्रॉपर पैकेजिंग में आते हैं, एक्चुअल में होलसेलर की शॉप जो मेरे हाथ लगी, मैं वहां से उठा लाई। तो ये है सेकंड नाइट सूट, ये डबल एक्सेल ग्रेसी के लिए है, प्यूमा ये है कलर, इसके साथ भी लोअर है, स्टफ अमेजिंग। अच्छा, इसकी प्राइस बताऊं, इसकी प्राइस पता कितनी है, ओनली 600, एक नाइट सूट की जो प्राइस है ओनली 600। बट मुझे जो है स्टफ जो है ना वो अमेजिंग स्टफ, बहुत ही कंफर्टेबल। ये कलर मैंने खुद के लिए जो है चूज किया है। सेकंड पीस है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये एल लेडी की तरफ से, ये हुडी टाइप है पर समर सीजन में पहनने के लिए, ये देखिए
ये हुडी है इसकी साथ में, और इसका स्टफ बहुत ही अच्छा है। और जी जस्ट जो है ये इस पे जो है स्टाइल बना हुआ है, ये जस्ट थी 750। मैंने ऊपर ना लिख लिए थे जो भी इसकी प्राइसिंग थी ताकि मुझे याद रह जाए, ये 750 थी कि जस्ट। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, कलर उसमें कैमरा में इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है और जो स्टाइल भी बहुत अच्छा है, जस्ट फॉर 750। इस हॉल में आपको जो है कुर्ता सेट्स, लॉन्ग ड्रेसेस, टी शर्ट्स, टॉप्स सब जो है मैं दिखाऊंगी और उनकी प्राइस सुन के आप हैरान रह जाओगे। और जी आगे टी शर्ट है, जो प्लेन टी शर्ट है प्योर कॉटन, बहुत ही कंफर्टेबल और इसकी प्राइस जो है जस्ट 250, बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसके साथ सॉलिड जो टी शर्ट होती है ना, वो किसी भी चीज प्रिंट लोअर के साथ या प्रिंट प्लाजो के साथ क्यूलॉट के साथ वे सब चल जाती है, ठीक है ना। आगे जो फिला ये है नेवी ब्लू काइंड ऑफ ये टी शर्ट है एक, ये भी 250 की थी प्लेन। नेक्स्ट जो टी शर्ट है वो भी नेवी ब्लू की है, इस पे जो है एडिडास लिखा हुआ है, लेकिन स्टफ जो है ना अमेजिंग स्टफ है, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल, प्राइस वही थी 250। नेक्स्ट ये कॉटन टॉप है, कॉटन की टॉप है, इसका स्टाइल देखिए, बहुत अच्छी है ना, बाजू का स्टाइल है ये, फेयर डील करके आई थिंक कोई है इसका। आज ये प्राइस थी इसकी जस्ट 400, ओनली 400। बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये वाली टॉप, फ्लावर्स वगैरह इस पे बने हुए हैं, लाइट पिंक सा कलर है, समरिश कलर है और स्टाइल बहुत अच्छा है, तो लव दिस। तो नेक्स्ट टॉप यू है ये वाली, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी, इसके बाजू का स्टाइल ये देखिए, नेट है, नेट ऊपर जो है नेट वाले नेट की है, ये है इसके बाजू का स्टाइल। ये लिप्सी करके कोई ब्रांड है और इसकी प्राइस थी जस्ट 650। मुझे बहुत सुंदर लगी, तो मैंने आपने शायद वीडियो में भी देखा होगा, तो दो पीस मैंने उठाए हैं, एक पीस ये इस कलर में था तो ये मैंने लिया और ये जो है ग्रेसी ले ली, ठीक है, दो पीस थे, 650 एक पीस थी प्राइस थी, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी। नेक्स्ट है टी शर्ट, बहुत ही प्यारा कलर है, डार्क पिंक कलर और व्हाइट स्ट्राइप्स जो है, ये है ग्रीन चिल्ली करके है कोई ब्रांड, ठीक है, और इसकी जो प्राइस थी जस्ट 300 और मटेरियल अमेजिंग, ठीक है। एक ऑलिव कलर की मैंने, मुझे अच्छा लगता है ऑलिव कलर, ठीक है, साइज इसमें बड़ा था तो मैंने बड़ा ही उठा लिया, क्योंकि वैसे भी समर में जो है ना वो थोड़ा खुले खुले कपड़े ही अच्छे लगते हैं नाइट वेयर के लिए जो है, तो एक ऑलिव कलर की ये मैंने टी शर्ट ली, ठीक है, कैजुअल वेयर के लिए, सारे कैजुअल वेयर के ही हैं ऑलमोस्ट जो है, ये भी बहुत अच्छी थी, इसकी भी जो प्राइस थी वो 250 थी। एक ये ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस है, कलर इसका ये, अब कलर अच्छा आ रहा है, कलर जो है ना इसका ये वाला रेड कलर है, ब्लड रेड कलर, मुझे बहुत अच्छी लगी ये ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत, ये स्टाइल है इसकी बालों का, स्ट्राइप्स हैं इसमें और इसकी प्राइस थी जस्ट 400। ये नी लेंथ तक आती है, आप जो है लेगिंग के साथ पहन सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉप है वो ये है, टाई एंड डाई, ब्लड रेड कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लड रेड कलर विद ब्लैक जो है टाई एंड डाई, ऊपर गोल्डन जे लगे हुए हैं गोल्डन से, ये तो नॉर्मल वैसे है,
बट मुझे देखने में अट्रैक्ट किया इस कलर ने, रेड कलर मुझे काफी अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये पीस भी उठा लिया। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, मे बी 400 के आसपास इसकी प्राइस होगी, मुझे याद नहीं है इसकी प्राइस कितनी है। ये टॉप मैंने चूज किया, समरिश कलर है, लेमन शेड कह सकते हो आप इसको। ये इसकी बाजू का स्टाइल है, स्टाइल बहुत अच्छा है, ऑफ शोल्डर है, ऑफ शोल्डर ड्रेस है। ये है सुपर गर्ल्स चॉइस प्रिंट, ये है। इसकी प्राइस भी जो थी जस्ट 400। दो ये सॉलिड कलर की टी शर्ट्स थी, चैंपियन, चैंपियन ब्रांड, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा। इसकी प्राइस भी मुझे याद नहीं, आई थिंक 300 या 250 के आसपास इसकी जो प्राइस थी, ज्यादा नहीं थी। दोनों कलर मुझे मिले इसमें तो मैंने दोनों ही उठा लिए। तो नेक्स्ट है ये टी शर्ट, ये है टॉमी हिल फिगर, ठीक है। और इसका कलर तो इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे, लेकिन इसका स्टफ जो है ना बहुत अच्छा है, जो सुपर ड्राई की टी शर्ट आती है वैसा स्टफ है इसका, बहुत ही प्यारा कम्फर्टेबल सॉफ्ट सा जो इसका स्टफ है, तो उसकी स्टफ की वजह से मैंने इसको उठा लिया। इसकी प्राइस जो है वो है 475। एक ये पैंट्स जो है कॉटन की पैंट्स हैं, ये काफी लाइक्रा टाइप होती है ना, वो इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है इसमें, बिल्कुल कंफर्टेबल है, ये नहीं है कि चुभेंगी। ये वाला इसका स्टफ है और नीचे ये लेग पे ये जो है स्टाइल है इसका, ठीक है। और इसकी प्राइस थी 450। दो थी मेरे पास, एक और मैंने ब्लैक ली है, ये ली है ब्लैक, मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये है किलॉट, एक ये शिमरी सा किलॉट है, ब्लिंगी ब्लिंगी सा, मुझे अच्छा लगा, ये बहुत सुंदर लगा। किसी भी ड्रेस के साथ, टॉप के साथ, टैंक टॉप के साथ, किसी भी साथ जो पहना जा सकता है। और इसकी प्राइस थी जस्ट 400। एक ये है ऑलिव कलर की टॉप, ये स्टाइल है बाजू का, एम्ब्रॉयडरी की हुई है नेक पे और स्टफ कॉटन है, बिल्कुल प्योर जो कॉटन है। ये 400 या 450 के आसपास थी इसकी प्राइस। स्टफ बहुत ही अच्छा है, कॉटन है, जो समर सीजन में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट जो पीस है वो है कुर्ता सेट। कुर्ता वगैरह मैं कम डालती हूँ, लेकिन मुझे ये पीस बहुत अच्छा लगा, कुर्ता सेट, तो मैंने ये लिया। ये जयपुरी प्रिंट में है, मैंगो कलर का जो कुर्ता है, ये स्टाइल है इसका नेक का, कॉटन है, प्योर कॉटन, जो गर्मियों में कैजुअल वेयर के लिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत अच्छा मुझे लगा कुर्ता जो है, सिंपल इसकी बाजू है। इसके साथ जो है ना वो है शरारा, शरारा का प्रिंट देखिए, ये है, ये वाला है चेक काइंड ऑफ जो प्रिंट है, और ये बहुत ही प्यारा ये पीस मुझे लगा। और इसकी प्राइस थी जस्ट 775। कैन यू इमेजिन, इतना सुंदर जो पीस है 775 का, जस्ट प्योर कॉटन, और ये नहीं कि चीप मटेरियल, नो, वेरी गुड, एक्सीलेंट मटेरियल। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि किसी बहुत कम देखते हैं मुझे कुर्ता में। ये कुर्ता था, इसका स्टाइल बाजू का जी है, स्टाइप्स वाला जो है, स्टाइप्स वाला, और ऊपर ये देखिए ऐसा मिरर वर्क कह लेते ना इसको, वो हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, और मुझे अच्छा लगा। और गले पे जो है पूरी वो है एम्ब्रॉयडरी है, मुझे तो अच्छा लगा बहुत, बट मेरी फैमिली में किसी को अच्छा नहीं लगा। इसके साथ ये है प्लाजो काइंड, ये वाला, ये वाला कलर प्लाजो है इसके साथ, मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैंने बाय किया, लेकिन मेरी फैमिली में किसी को अच्छा नहीं लगा। इसकी प्राइस थी जस्ट 850। प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन,
कैजुअल वेयर के लिए आपको कहीं थोड़ा सा जाना है बाहर तो आप डाल के जा सकते हो। ये मुझे अच्छा लगा बट किसी को बाकी अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट है लॉन्ग ड्रेस है, ये लॉन्ग कुर्ती कह सकते हैं, ग्रे कलर में है ये। ये देखिए मटेरियल, ये इम्पोर्टेड कॉटन उन्होंने बोला। हाँ इतना हल्का है ना, बहुत ज्यादा हल्का, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये नहीं कि भारी भारी सा कुछ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे ये ड्रेस मैंने पहनी है ना, एक मिनट, ये ड्रेस मैंने पहनी है ना, ये लास्ट ईयर मैंने ली थी, ये भी लोकल मार्केट से ही ली थी। इसका देखो घेर मैं दिखाती हूँ, पूरा इसका घेर है इतना। अगर आप इसकी स्टिचिंग करवाओ मार्केट में, स्टिचिंग इसकी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, और पूरा इसका घेर है। ये मुझे मिली थी जस्ट ₹2000। बहुत सुंदर लगती है ये भी देखने में, प्योर जो है कॉटन। ये ऐसी ही ड्रेस है, ये ग्रे कलर में है, ये थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर है। इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है पूरी, ठीक है। गोल जो है इसका गला है, बाजू स्टाइल जो होता है नॉर्मल, और ये स्टाइल लॉन्ग है, ठीक है। ये वाली इसकी बैक साइड है, ये पीस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पीस। ये पूरा जो है लॉन्ग है। ये इसकी प्राइस जो है ना वो ज्यादा थी, इसकी प्राइस थी 2655, बट एक्चुअल में उनके पास ये लास्ट पीस था तो उन्होंने मुझे पता कितने का दिया, 1100 ओनली। नेक्स्ट जो लॉन्ग ड्रेस है, ये मैंने राखी के लिए, मुझे लगा कि मुझे ले लेनी चाहिए ये वाली ड्रेस। बाजू बीच में ही है इसके, ये देखो है ना, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है ये। ये देखो साइड्स में पूरी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। ये नहीं है कि चीप काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी है ये वो, ये देखो बहुत ही सुंदर ड्रेस है। जो कॉटन है आप देखिए, प्योर कॉटन है, नेवी ब्लू कलर है, और बाजू इसके अंदर की साइड जो है लगे हुए हैं वो मैंने आज, ये देखो बाजू जो अंदर की साइड है ये मैंने ऑल्टर कराना है। ये मुझे ड्रेस बहुत सुंदर लगी, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लगी। और इसकी ये मुझे पता कितने की मिली है, अगर ऑनलाइन लेती तो पॉकेट खाली हो जाती। और ये मुझे मिली है जस्ट 1100। नेक्स्ट ड्रेस लॉन्ग ड्रेस है, ये ड्रेस है ये, इसके बाजू का स्टाइल ये है, गोटा पट्टी वर्क है इसमें, ये देखो गोटा पट्टी वर्क है, ठीक है। और ये बाजू का स्टाइल है, नेक पे एम्ब्रॉयडरी है, और नीचे ये इस साइड पे एम्ब्रॉयडरी है। प्योर कॉटन है, बहुत ही वेटलेस जो है वो वाली कॉटन है, कॉटन है ये। बहुत ही कंफर्टेबल जो फैब्रिक है, इसका कलर बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और ये बेल्ट के साथ किसी भी चीज स्टाइल कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, फ्यूचर में जो मैं मेबी दिखूंगी वीडियोस में स्टाइल करता हुआ करते हुए। तो ये ड्रेस जो बहुत अच्छी लगी, इसका मटेरियल देखिए कॉटन का मटेरियल है, कलर भी बहुत सुंदर है, और ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है। और इसकी प्राइस थी बताऊं जस्ट 750। देखा मैंने, अगर मैं इतना क्लोथ ऑनलाइन करती, ऑनलाइन बाय करती तो कितना बजट मेरा हिल जाता है ना। मैंने यहाँ पे जस्ट जो है स्पेंड किए हैं 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज में मुझे लगता है कि मैंने इस सीजन का पूरा जो है वो कोटा अपना पूरा कर लिया है। तो आई थिंक हमें अपनी लोकल मार्केट को वो ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी है यार, हार्ड अर्न्ड मनी हम चीप मटेरियल्स के लिए वो करते हैं, तो
बाकी मेरा ओपिनियन ये है, मे बी आपका ओपिनियन जो है वो अलग हो सकता है, ये कि हम मार्केट बार बार नहीं जा सकते, बट एक बार जो है हम एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं अपनी मार्केट, ठीक है ना। तो अगर आपको जो पीसेज आपको अच्छे लगे, आपको नहीं अच्छे लगी तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये नहीं अच्छी थी, ठीक है। लेकिन मुझे तो जो है, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के बाद जब मैंने कंपैरिजन किया ना, तो जमीन आसमान का अंतर था फैब्रिक्स में और जो है उसके प्राइस में, जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है ना। पहले मैं शीन से शॉपिंग करती रही हूँ, शीन के जो प्रोडक्ट आते थे ना वो क्लासी प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक है ना। उनकी प्राइस रेंज जो थी, लेकिन उसके हिसाब से उनके जो प्रोडक्ट्स होते थे ना, द बेस्ट स्टाइल्स, द बेस्ट फैब्रिक, और वो प्रोडक्ट आपको नॉर्मली कहीं देखने को मिलते नहीं है जो शीन पे मिलते थे। तो अब तो वो बैन हो गई है, तो क्या कर सकते हैं, दुख बहुत हुआ मेरे तो शीन की ऐप जो है उसका बंद होने का। तो चलिए, अगर आपको जो ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जो प्रोडक्ट्स, जो क्लोथिंग है, ये क्लोथ्स हैं, वो कैसे लगे। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय।